वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नो का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि क्रिकेट स्टेडियम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की अशद ज़रूरत है। खुशी है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को जदीद बुनियादों पर तामीर किया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का सेहरा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को जाता है। मेरिट के खिलाफ अगर मैं भी सिफारिश करूँ तो मत माने, टीम की मेरिट पर तश्कील नो की जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी और कराची के स्टेडियम्स को अपग्रेड करने का ऐलान। बोले तीनों स्टेडियम्स बैन अल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। इसके लिए वो फर्म हायर की है जो पहले ही 30 से ज्यादा बैन अल-अक़वामी स्टेडियम्स बना चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में हो रही है जिसमें शिरकत के लिए दुनिया की 8 बेहतरीन टीम्स आ रही हैं। नए स्टेडियम की तामीर का अमल 5 माह में मुकम्मल करेंगे। PCB के करीब 5 स्टार होटल भी बनाएंगे। हाईकोर्ट ने पंजाब टेक्सटबुक बोर्ड के 29 मुलाजमीन को बरतरफ करने से रोक दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब टेक्सटबुक बोर्ड को मुलाजमीन की मुस्तकली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ग्रेड 4 से 11 के मोहम्मद जैन समेत 29 मुलाजमीन की दरख्वास्त पर समाअत की। और महकमा स्कूल एजुकेशन की अजीब हिकमत अमली, तीनों इदारों को एक करने के बाद नई अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। लाखों रुपए तनख्वाहों पर भर्तियां की जाने लगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इब्तदाई तालीम के हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी। असातिज़ा का कहना है ट्रेनिंग देने के लिए पहले ही एक इदारा मौजूद है। नई अथॉरिटी बनाने के बजाय कायद अकेडमी में ट्रेनिंग का काम किया जा सकता है।